वेलकम गाइस टू द न्यू एपिसोड ऑफ फ्लटर फ्लो। आज के एपिसोड में हम लोग एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करेंगे फ्लटर फ्लो में, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आएगा, और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की है कि आप एक वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और वो भी रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं कि जो डेटा है ये वाला अवेलेबल, जो माय कोर्सेज का डेटा है, ये हम फायरबेस से फेच करेंगे और उसको यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। उसमें आप स्टोरेज का यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसमें आप इमेजेस कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस एपिसोड में कवर करेंगे। और अगर आपको ये पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट आपका खुद का लॉन्च करना है, रिलीज़ करना है, तो उसके लिए आपको एक कस्टम डोमेन की ज़रूरत पड़ती है। तो होस्टिंगर पे आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, वो भी 30 डे मनी बैक गारंटी। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दी है, उससे आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा 10-20%, और हमें भी कुछ उसमें फ्री कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर उसको चेक करें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ड्रॉप कर दी है। और आप शुरू करते हैं कि कैसे आप इस तरीके का पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट अपना क्रिएट कर सकते हैं फ्लटर फ्लो में। ओके, तो सबसे पहले हम क्रिएट न्यू में आ जाएंगे और यहाँ से एक पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो उसको हम ले लेंगे नाम पर्सनल पोर्टफोलियो। ओके, यहाँ से हम क्रिएट ब्लैंक करेंगे। ओके, अभी के लिए हम यहाँ पे फायरबेस सेटअप नहीं करेंगे, अगर हमें लगेगा तो हम आगे चल के इसको सेटअप करेंगे इन प्रोजेक्ट, ठीक है। एनेबल वेब करेंगे एंड स्टार्ट बिल्डिंग करेंगे। अब यहाँ पे हमें बाय डिफ़ॉल्ट है ना मोबाइल वाला वर्जन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, मोबाइल डिवाइस का यहाँ पे टेम्पलेट दिख रहा है। हम लोग वेबसाइट चूज़ करेंगे यहाँ से और वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, जैसे कि आपने डेमो में देखा, उस तरीके की कुछ वेबसाइट हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो हमको आ जाना है पेज सेलेक्टर में यहाँ पे, और यहाँ पे आपके सारे पेजेस डिस्प्ले हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम लोग टाइटल डिस्प्ले करेंगे, हमारा नेम और हमारा जो हेडलाइन है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, और राइट साइड में हम एक हमारा पर्सनल फ़ोटो ऐड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे रो ऐड कर देंगे, इस रो के अंदर हम एक कॉलम ऐड करेंगे, ठीक है। इस कॉलम के अंदर हमें दो टेक्स्ट चाहिए, हमें हमारा एक टाइटल चाहिए जिसमें हम नेम डिस्प्ले करेंगे, और इसी कॉलम के अंदर हम एक टेक्स्ट लेंगे जिसमें हम हेडलाइन लिखेंगे कि हमारा जो बेसिक इंट्रो है, बायो है, जो हम इंस्टाग्राम पे लिखते हैं जैसे, वो टाइप में हम कुछ यहाँ पे ऐड करेंगे। और इसी रो के अंदर हम राइट साइड में हमें रो के अंदर चाहिए एक इमेज जहाँ पर हम हमारा पर्सनल फ़ोटो ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ही डिस्टर्ब यहाँ पर दिख रहा है, तो सबसे पहले UI को डिज़ाइन करेंगे प्रॉपरली। तो टेक्स्ट में मैं अपनी वेबसाइट बना रहा हूँ पर्सनल पोर्टफोलियो, तो मैं यहाँ पे अपना नाम दे देता हूँ, ठीक है। और इसको डिज़ाइन कर लेंगे UI को, थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ और फॉन्ट साइज़ यहाँ से बड़ा कर देता हूँ, 44 कर देते हैं इसको, ठीक है। फॉन्ट वेट हम यहाँ पे बोल्ड कर देंगे, सेमी बोल्ड, ठीक है। और ये जो सेकेंड टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को यहाँ पे हेडलाइन लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ लाइन यहाँ पे ऐड की है अपने बायो में, और इसको डिज़ाइन कर देंगे अभी, इसको बोल्ड कर देता हूँ मैं, और पैडिंग ऐड कर देंगे यहाँ से 20, ठीक है। इसको मैं नीचे से डिज़ाइन कर देता हूँ बोल्ड, इसको हम मीडियम कर देते हैं, और फॉन्ट साइज़ थोड़ा 18 कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो दिख सके। और इसको सेंटर अलाइन कर देंगे इस तरीके से। और ये जो इमेज है, इस इमेज के लिए मैं एक इमेज यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, एसेट बोलूँगा मैं उसको, एसेट। और इमेज मैं यहाँ से सिस्टम से ले लेता हूँ इमेज, ठीक है, ये वाली इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि इस रो में ये डिस्टेंस बहुत कम है ना, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट और मेन एक्सिस अलाइनमेंट को सेट कर देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितनी स्पेसिंग है, आप ट्राई कर सकते हैं इस तरीके से होना, या फिर इस तरीके से होना, या फिर इवनली स्पेसेस होना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें अपने डिज़ाइन के हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं।
तो हम लोग स्पेस इवेंटली ले लेते हैं यहाँ पे, ओके। और इसको हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट जो नेम है इसको फॉन्ट साइज और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें हेडिंग हम ऐड कर देंगे, हेडिंग ऐड कर देंगे हम लोग 20। और ये जो इमेज है इसको मुझे सर्कुलर इसमें लेके आना है, तो विड्थ और हाइट आप देख सकते हैं 200 है, तो बॉर्डर रेडियस सर्कल लाने के लिए हमें हाफ लेनी पड़ेगी है ना, 100, तो वो सर्कल में आ जाएगा। और ये जो नैव बार है, इस नैव बार में इसको मैं ले लेता हूँ कोड सी फाई, ठीक है। और ये जो एम बार है इसका प्राइमरी कलर हम वाइट ही रखेंगे, प्राइमरी कलर हम वाइट रख देते हैं। और इसको एलिवेशन भी आपको 0 कर देना है, ठीक है, पूरा प्लेन रखेंगे उसको। और टेक्स्ट को हमको ब्लैक कलर देना है, जो हमने टेक्स्ट ऐड किया ना उसको हमको ब्लैक करना है। तो यहाँ से हम टेक्स्ट को ब्लैक कर देंगे, ठीक है। डिज़ाइन करते हैं ऊपर का एक बार, अभी फ़िलहाल इसमें फोकस करते हैं। रो को हम लोग ऊपर से टॉप से पैडिंग दे देंगे कुछ, ठीक है, इस तरीके से। और जो इमेज है, इमेज का हाइट और विड्थ आप बढ़ा सकते हैं, वो ये डिज़ाइन थोड़ा सा आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और बड़ा ले लेता हूँ इस तरीके से, ओके। इसको मैं रन कर देता हूँ यहाँ से साइड से, तो हम इसको पहले रन कर देते हैं और देखते हैं कि वो किस तरीके से दिख रहा है। इसके नीचे अब ये तो हो गया हमारा नेम और टाइटल जो हम बायो में लिखेंगे, और इसके नीचे अब हम कौन से प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं उसके बारे में कुछ एडिशंस ऐड करते हैं, ठीक है। तो अब ये रो हमारा डिज़ाइन हो गया, और ये ऐप जब तक रन हो तब तक हम यहाँ पे नीचे ऐड करते थे। तो इस कॉलम के अंदर हम लोग, इसी कॉलम के अंदर मैं एक और रो ले लूँगा, ठीक है। इस रो के अंदर हम लोग ऐड करेंगे हमारा प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। तो मैं उसको नाम दे देता हूँ, एक काम करते हैं मैं अपने जो कोर्सेज़ है उन्हीं के नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक रो है, रो के अंदर हम एक कॉलम ले लेंगे, ठीक है। उस कॉलम के अंदर हम एक इमेज ले लेंगे कोर्स का, ठीक है। और उस कॉलम के अंदर इमेज के साथ में हम एक कोर्स का टाइटल भी ले लेंगे, और उसी कॉलम में हम कोर्स का प्राइस भी लिख लेंगे। तो इस तरीके से कुछ वो हमारा डिज़ाइन होगा, ठीक है। अब इसको हम डिज़ाइन करते हैं और एक एक कोर्स को ऐड करते हैं। तो हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे codesify.com में, ठीक है। codesify.com में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो कोर्सेस हैं, जैसे ये वाला एक कोर्स है, अभी बाय द वे ये सेल पे चल रहा है दिवाली के लिए। अगर आपको फ्लटर फ्लो बहुत डेप्थ में सीखना है, 10 आवर्स का ये कोर्स है, और फ्यूचर अपडेट्स भी इसमें ऐड हो जाते हैं, तो वो चीज़ें भी आप इस कोर्स के थ्रू सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेस हैं, इनकी इमेजेस को हम यूज़ करेंगे और वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारी बन गई वेबसाइट। अभी ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, यहाँ से ये ओवरफ्लो का इशू आ रहा है, राइट। और यहाँ से ये ऐसे हो रहा है, तो इसको आप कैसे मैनेज करेंगे वो चीज़ भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे बॉटम में हम जो जो इमेजेस हमें ऐड करना है वो ऐड कर देते हैं, और टाइटल लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे आप खुद से इमेज ऐड करेंगे और टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, या फिर आप फायरबेस सेटअप कर सकते हैं और वहाँ पे आप एक कलेक्शन बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फायरबेस का भी मैं आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे देता हूँ। तो हम आ जाएंगे सेटिंग्स में, यहाँ पे फायरबेस में आ जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पे मुंबई सिलेक्ट करूँगा और साइन इन विद गूगल कर दूँगा, और यहाँ से अकाउंट हमारा हो जाएगा क्रिएट, ठीक है। एक बार ये फायरबेस प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो जाता है, तो उसके बाद में हम
फायरबेस यानी डेटाबेस के अंदर डायरेक्टली हम हमारे कोर्स के इमेजेस और टाइटल डिस्क्रिप्शन डालेंगे और वहाँ से ही हम यहाँ पे फेच करके डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार ये कंप्लीट हो जाए प्रोजेक्ट सेटअप, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे सेटिंग्स में आके फायरबेस में या एनेबल ऑथ पे भी क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली फायरबेस कंसोल ओपन हो जाता है। अगर नहीं तो आप गूगल पे फायरबेस सर्च करके भी प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग फायर स्टोर डेटाबेस में आ जाएंगे। ठीक है, फायर स्टोर डेटाबेस में मैं एक कलेक्शन क्रिएट कर दूंगा और इस कलेक्शन का नाम रहेगा प्रोजेक्ट्स। ठीक है, प्रोजेक्ट्स बोलेंगे या फिर कोर्सेस हम बोल देंगे। अब कोर्सेस में हम लोग ले लेंगे थंबनेल यूआरएल। ठीक है, थंबनेल यूआरएल आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद में टाइटल हम दे देंगे और हम लोग प्राइजिंग दे देंगे। ठीक है, टाइटल में यहाँ लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल हमारा फ्लटर फ्लो का कोर्स है तो हम ले लेंगे फ्लटर फ्लो कोर्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड। ठीक है, प्राइजिंग हम ले लेंगे 449 रुपीज़। और थंबनेल यूआरएल के लिए आप यहाँ पे जो भी आपका इमेज है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास इमेजेस ऑलरेडी अवेलेबल है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे स्टोरेज में ऐड कर देता हूँ इमेज। ठीक है, बिल्ड में हम जाएंगे, स्टोरेज में हम आ जाएंगे और इस स्टोरेज में मैं कुछ इमेजेस ऐड कर देता हूँ कोर्स के। इसको डायरेक्टली रन कर देंगे हम लोग यहाँ से। इसमें हम इमेज ऐड कर देते हैं हमारे, मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे लेके रखे हैं और मैं एक लोगो भी ले लेता हूँ। ठीक है, अब हम ये वाली जो इमेज है फ्लटर फ्लो की, इसको यूज़ करेंगे। मैं यहाँ से इमेज का एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ ताकि फायर स्टोर डेटाबेस मैं साइड में खोल सकूँ। ठीक है, यहाँ पे ओपन हो जाएगा वो फायर स्टोर डेटाबेस और हमारे कोर्सेस में यहाँ पे थंबनेल यूआरएल में हम लोग ऐड कर देंगे इमेज। ठीक है, सिमिलरली हम एक और डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देते हैं जल्दी से ताकि हम एटलीस्ट तीन कोर्स तो भी दिखा सकें। थंबनेल यूआरएल में ले लेता हूँ और यहाँ पे टाइटल ले लेता हूँ मैं और प्राइजिंग ले लेते हैं यहाँ पे 449 रुपीज़। ठीक है, इसको मैं फ्लटर कोर्स बोल देता हूँ, फ्लटर फंडामेंटल्स कोर्स हमारा है, फंडामेंटल्स कोर्स। ठीक है, इसके लिए जो इमेज होना हमें वो हमारे पास रेडी है, मैं इमेज ले लेता हूँ। इमेज पे आप लिंक का एड्रेस कॉपी कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। इसको सेव कर दूँगा। सिमिलरली एक और ऐड कर देंगे हम लोग थंबनेल यूआरएल। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टाइटल और यहाँ पे ले लेता हूँ प्राइसिंग। ठीक है, इसको मैं नंबर दे देता हूँ और यहाँ पे मैं दे दूँगा हमारा जो थर्ड ऐप आने वाला है ग्रॉसरी डिलीवरी ऐप, तो ये वाला ऐप हम यूज़ करेंगे और इसकी इमेज भी हमारे पास रेडी है तो यहाँ पे इमेज ले लेंगे। ठीक है, इसको सेव कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेबसाइट में ये प्रॉपर दिख रहा है, जब हम इसको टैबलेट में रन करते हैं ना तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरफ्लो इशू आपको आएगा, राइट। और मोबाइल डिवाइस में तो और ही डिज़ाइन वो ऐसा हो जाता है। तो इसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन रहते हैं। या तो आप इस रो को, ठीक है, ये जो फर्स्ट रो है जिसमें हमने ये टाइटल और इमेज ऐड किया है, इसको आप रैप करेंगे। ठीक है, इसको आप रिप्लेस करके यहाँ पे रैप विजेट में करके भी कर सकते हैं, पर उससे आप परफेक्ट यूआई तो नहीं हो पाता है इसमें हैंडल। तो उस एक ऑप्शन आपके पास ये है कि इसको आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप इसको कॉपी कर लीजिए, डुप्लीकेट करेंगे हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और यूआई को हम मैन्युअली मैनेज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ये फर्स्ट रो सिलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे सिर्फ डेस्कटॉप में ही चाहिए, मोबाइल में और टैबलेट में ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट रो सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से हम लोग इसको हाइड कर देंगे टैबलेट और मोबाइल में। ठीक है, इसमें ये हाइड हो जाएगा और यहाँ पे जो ये रो है इस रो को मुझे दिखाना है सिर्फ मोबाइल के अंदर, बाकी
डेस्कटॉप में और टैबलेट में ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर डेस्कटॉप है तो ये मोबाइल में हाइड हो जाएगा, और ये वाला जो रो है ये सिर्फ डेस्कटॉप में दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से है ना, यहाँ से आप रिस्पॉन्सिवनेस की विजिबिलिटी को मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो अभी हम डेस्कटॉप पे फोकस कर रहे हैं, तो डेस्कटॉप में हम इस तरीके का डिज़ाइन दिखाएंगे और मोबाइल में हम कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन दिखाएंगे, क्योंकि मोबाइल में और टैबलेट में वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, टैबलेट में वो इस तरीके से हो जाएगा। तो इस केस में हमारा जो डिज़ाइन रहेगा ना, उसको हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले डेस्कटॉप को डिज़ाइन कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, फिर हम टैबलेट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए फर्स्ट स्टेप जो है हमारा डेस्कटॉप, अब इसको हम फिक्स कर देते हैं पहले ताकि थोड़ा सा क्लीन दिखे हुआ है। ये जो रो है, ठीक है, इस रो के अंदर मैंने एक कॉलम ऐड किया है, जिसमें एक इमेज है, एक टेक्स्ट है और एक टेक्स्ट है, ठीक है। अब ये जो रो है, इसका जो डेटा है वो बैकेंड से आने वाला है ना। तो हमने फायरबेस को सेटअप कर दिया है और डेटा भी हमने यहाँ पे फायरस्टोर डेटाबेस में ऐड कर दिया है, राइट। अगर आपने नोट पहले वॉच किया है तो यहाँ पे कोर्सेस हमने ऐड कर दिए। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है कि यहाँ पे डेटा कैसे जनरेट करें। तो हम आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, बैकएंड क्वेरी ऐड कर देंगे, यहाँ पे ऐड क्वेरी कर देंगे और क्वेरी कलेक्शन कर देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी कलेक्शन नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट ही नहीं किए। तो हम पहले कलेक्शन क्रिएट कर देंगे, कनेक्ट में हम आ जाएंगे, क्रिएट कलेक्शन, और यहाँ पे हम कोर्सेस लिख देंगे कलेक्शन, और जो जो फील्ड्स हमने वहाँ पे ऐड किए थे ना, वही फील्ड्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मैं बोलूँगा थंबनेल यूआरएल, और इसको मैं स्ट्रिंग ले लूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइटल दे दूँगा कोर्स का, और इसको भी हम स्ट्रिंग सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम प्राइजिंग ले लेंगे, और इसको भी मैं यहाँ से स्ट्रिंग सेलेक्ट कर दूँगा, ठीक है। अब अगर आपको कंटेंट देखना है उस टेबल का, तो आप यहाँ पे वो देख सकते हैं इस तरीके से, मैनेज कंटेंट में। तो यहाँ जो भी डेटा रहेगा उस टेबल में, वो आपको यहाँ पे फेच होके मिल जाएगा। तो कोर्सेस डेटा में देखते हैं यहाँ पे पूरा डेटा डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रोजेक्ट, मेक श्योर ईमेल साइन इन इज टर्न ऑन फॉर ए फायरबेस प्रोजेक्ट टू, ठीक है। तो हम आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बिल्ड में आ जाएंगे। वो बोल रहा है कि ईमेल साइन इन हमें ऑन करना पड़ेगा उसके लिए। तो हम ऑथेंटिकेशन में आ जाएंगे, गेट स्टार्टेड करेंगे और इसको ऑन कर देते हैं, ठीक है। इसमें ईमेल और पासवर्ड को एनेबल कर देंगे और सेव कर देंगे, और यहाँ से हम टॉप में आ जाएंगे, और प्रोजेक्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पे यूजर्स एंड परमिशंस में फायरबेस ये आपका ऐड होना चाहिए, ठीक है। इतना सेटिंग करने के बाद में अब इसको रिलोड करना पड़ेगा फिर से, इसको मैनेज कर देते हैं कंटेंट को इस तरीके से। ठीक है, ये डेटाबेस का जो भी डेटा आपने ऐड किया है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जा रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी है, वो हम वापस आ जाएंगे हमारे पेज सिलेक्टर पे, और चेक ट्री में आ जाएंगे हम लोग, और इसको रो को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्वेरी ऐड कर देंगे, क्वेरी में क्वेरी कलेक्शन कर देंगे, और कलेक्शन हमारा कोर्सेज हो जाएगा, और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम कर देंगे सारे, ठीक है, कंफर्म कर देंगे, आ गया। अब यहाँ पे जो आपकी इमेज है, उसको इमेज को आपको सेट करना है कि ये इमेज हमारी आएगी डेटाबेस से। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कोर्सेज डॉक्यूमेंट में से जो भी आपकी इमेज है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, राइट। तो वो क्यों नहीं आ रहा है मैं आपको बता दूँ, पहले टेक्स्ट सेट कर देंगे, फिर मैं आपको उसका रीज़न बता दूँ कि इमेज क्यों नहीं आ रही है। तो टेक्स्ट के लिए हम आ जाएंगे ऊपर, ठीक है, टेक्स्ट देखना आपको आ जाएगी यहाँ पे कोर्सेज डॉक्यूमेंट में, टाइटल हमारे पास आ गया, ठीक है। और जो सेकेंड प्राइजिंग वाला है उसको भी सेट कर देते हैं, यहाँ से कोर्सेज डॉक्यूमेंट में प्राइजिंग सेट कर देंगे, ठीक है। अब इमेज के लिए आपको वापस आना है कनेक्ट इसमें कोर्सेज में, और थंबनेल यूआरएल को हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप दिया है ना, इसको आपको इमेज डेटा टाइप देना है, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको डिलीट करके फिर से ऐड कर देता हूँ मैं थंबनेल, ठीक है। यहाँ से हम इमेज पाथ ले लेंगे और इसको ऐड कर देंगे। अब वापस यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, विजेट ट्री में, और इमेज सिलेक्ट कर लेंगे, और इसको हम
यहाँ से दे देंगे कोर्सेज डॉक्यूमेंट में थंबनेल यूआरएल। ओके, अब जो भी इमेज आपने यहाँ पे डेटा में दी हुई है फायरस्टोर डेटाबेस में, वो सारी इमेज टाइटल और प्राइसिंग जो भी है कोर्स की वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, अब इसको एक बार रन करके देखेंगे और नेक्स्ट स्टेप हम इसको फॉलो करेंगे कि हम ये जो टैबलेट का डिवाइस है इसमें इसमें यूआई को कैसे हम रिस्पॉन्सिव करें। तो इसको मैं रिलोड कर देता हूँ, यहाँ से देता हूँ मैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डेटा है ना यहाँ पे लोडिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे एक रीज़न हो सकता है, हम कनेक्ट टेबल में आ जाएंगे फायर स्टोर में। और ठीक है, तो इसको मैं डिप्लॉय कर देता हूँ पहले। रूल्स एक बार सेट हो गए तो डिस्प्ले हो जाएगा डेटा। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल यहाँ पे एवरीवन दिया हुआ है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं यूज़र्स या ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स। ठीक है, सिर्फ उन्हीं लोगों को ये डेटा दिखेगा। अभी यहाँ पे एवरीवन है क्योंकि हमारे इसमें ऑथेंटिकेशन एनेबल नहीं है, कोई भी साइन इन करे बिना ही हमारा पोर्टफोलियो देख सकते हैं, इसलिए वहाँ पे वो एवरीवन दिया हुआ है। अगर प्रोडक्शन में कभी भी आप इसको रन करेंगे ना, तो मेक श्योर कि यहाँ पे है ना आप ऑथेंटिकेटेड यूज़र लें या फिर टैग्ड यूज़र लें तो ज़्यादा सिक्योर रहेगा, अदरवाइज़ यूज़र आपके डेटा को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है ना डेटा नहीं आ रहा है, राइट। तो उसके लिए हम एक और यहाँ पे कर सकते हैं कि सेटिंग्स में आगे फायरबेस में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ पे नॉट डिप्लॉयड आ रहा है स्टोरेज, और हमारे जो इमेजेस है वो स्टोरेज में है। तो हम क्या करेंगे, पहले डिप्लॉय कर देंगे इसको ताकि वो एक्सेस कर पाए उस फायरबेस स्टोरेज को। ठीक है, ठीक है, इसमें अभी हम इमेज को थोड़ा प्रॉपर कर लेते हैं। इस कॉलम को हम पैडिंग दे देंगे, यहाँ पे प्रॉपर पैडिंग दे देंगे 10। ठीक है, राइट से भी 10 दे देंगे और इमेज को हम थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे 10 इसको दे देंगे। और ठीक है, इतना भी ठीक है। टाइटल को थोड़ी पैडिंग दे देंगे, टाइटल को पैडिंग दे देंगे 10 दे देता हूँ मैं फॉन्ट साइज, और इसको सेमी बोल्ड कर देते हैं। और सिमिलरली जो प्राइसिंग वाला टेक्स्ट है उसको भी फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और मीडियम कर देता हूँ मैं उसको। और पैडिंग अगर आपको देना है तो आप दे सकते हैं यहाँ से 10। ठीक है, तो हमारा प्राइसिंग भी हो गया और इमेज भी हो गया। अब इमेज का जो विड्थ है वो थोड़ा हमको बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि इमेज जो है हमारे वो थोड़े बड़े वाले इमेज है। ठीक है, तो इमेज आप देख सकते हैं इस टाइप के हैं, तो हम इमेज को इमेज के विड्थ को थोड़ा बड़ा कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे और हाइट थोड़ी प्रॉपर कर देंगे इससे। ओके, अब इसको रिलोड करके एक बार चेक कर लेते हैं कि सब कुछ प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको टेस्ट मोड में रन कर देंगे, ओपन सेशन। ओके, अब जब तक वो रन होए, ठीक है, अब हम हमारे जो टैबलेट के लिए डिज़ाइन था उसको थोड़ा प्रॉपर कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था, ठीक है, इसको हाइड कर देते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपने देखा था कि ये वाला जो रो है ये सिर्फ हमारे किस में अवेलेबल रहेगा, सिर्फ डेस्कटॉप में। ठीक है, यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हैं, बाकी सबको मैंने हाइड कर दिया। वही अब ये वाला जो सेकेंड जो रो है, ठीक है, इसको हमको डिस्प्ले करना है सिर्फ टैबलेट और मोबाइल में। तो इसका जो डिज़ाइन है वो हम कुछ अलग करने वाले हैं। तो उसमें हम कॉलम तो लेंगे ही, तो हम क्या, हमें ना उसमें रो की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कॉलम से भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इसको कट कर देंगे। ठीक है, और इस रो को मैं पहले डिलीट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इस कॉलम के अंदर हम इसको पेस्ट करेंगे और ये कॉलम हमें यहाँ चाहिए। ठीक है, ऐसे ये हमें इस कॉलम के अंदर चाहिए। ठीक है, इस सीक्वेंस में। और ये जो कॉलम है ये बड़े डिवाइस में विजिबल नहीं रहेगा, ये सिर्फ टैबलेट के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, बेटर है कि हम अपना इमेज ले लें यहाँ पे इस तरीके से और इसेंगे सिंपली। ठीक है, यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ मैं फिर से एक बार इमेज, ये वाला इमेज, प्रोफाइल इमेज। ठीक है, और ये जो टाइटल है इसका फॉन्ट साइज हमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, तो कर देते हैं 60 रखते हैं। ठीक है, और इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं। और ये जो टेक्स्ट है इसका जो फॉन्ट साइज़ है ये हम 18 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो इमेज है
इस इमेज को हम लोग यहाँ से पैडिंग दे देंगे 20, और इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो सेट कर देते हैं, ठीक है। हाइट और विड्थ पहले देख लेंगे, और बॉर्डर रेडियस हम इसको 100 दे देंगे। क्यों 100 देंगे? क्योंकि 200 बाय 200 का इमेज है, और ये जो रो है ये हमारा रो प्रॉपरली वर्क कर जाएगा। इसको पैडिंग हम दे देंगे ऊपर से टॉप से 20 पिक्सल, ठीक है। तो ये यूआई हमारा डिसेंट सा बन जाता है यहाँ पे, एक तो डेस्कटॉप के लिए और एक मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव। अब हमको टैबलेट के लिए डिज़ाइन करना है, तो इसके लिए हमें सेम प्रोसीजर अप्लाई करनी है। तो फिलहाल हम मोबाइल और डेस्कटॉप पे फोकस करते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा अभी हमारे लिए, ठीक है। तो टाइम कंस्ट्रेंट के हिसाब से हमें ये वाला फीचर इंप्लीमेंट कर देना चाहिए अभी, ठीक है। अब इसको रीलोड कर देंगे ऐप को, अगर आपका ऑलरेडी रन है तो उसको रन कर दीजिए आप ऐप को, उसको रीलोड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ वो प्रोजेक्ट हमारा दिखता है। अब यहाँ पे आप कितने भी कोर्सेज यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ से लेके फायरस्टोर डेटाबेस में, तो वो सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। अभी के लिए हमने 2 ही ऐड किए हैं, तो आप यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, वो ऐड होते रहेंगे, ठीक है। और इसी को ही अगर हम मोबाइल डिवाइस में डिस्प्ले करते हैं तो इस तरीके से दिख रहा है, पर यहाँ पे कुछ इशू है पिक्सल ओवरफ्लो का। तो एक बार मैं एरर दिखा देता हूँ क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे है ना पिक्सल ओवरफ्लो दिख रहा है, हाइट ओवरफ्लो, ठीक है। तो इसको मैं बता देता हूँ आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने मोबाइल डिवाइसेस में ये रन किए हैं, ठीक है, कॉलम सॉरी ये वाला रो है जिसमें वो है, तो इसको हम स्क्रोल एनेबल कर देंगे, ठीक है, स्क्रोलेबल कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि ये स्क्रोल होने लग जाएंगी इमेजेस। अब इसको रिलोड कर देंगे, क्योंकि बड़े डिवाइस में तो वो 2 इमेज दिख जा रही थी, लेकिन उसमें आप मल्टीपल इमेजेस ऐड करेंगे ना तो आपको इशू जाएगा। तो उसमें अगर स्क्रोल एनेबल्ड रहेगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो इशू नहीं आएगा, यहाँ पे वो स्क्रोल हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके नीचे आप जैसे हमने यहाँ पे नेम और ये दे दिया, ठीक है। अब इसके नीचे हमने प्रोजेक्ट्स दिया, पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ कुछ टाइटल वगैरह हमने ऐड नहीं किया, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसी कॉलम के अंदर, इसको सबसे पहले मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो इसी कॉलम के अंदर हम एक टाइटल ले लेंगे, इसको मैं बोल देता हूँ टेक्स्ट, और ये रहेगा इसके ऊपर। तो ये जो रो है ये नीचे आनी चाहिए, ये रो नीचे आनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इस टेक्स्ट को मैं नाम दे देता हूँ, हेडिंग हम दे देंगे इसको कोर्सेस, ठीक है। इसका टाइटल और फॉन्ट साइज हम सेट कर देंगे प्रॉपर, फॉन्ट साइज मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और फॉन्ट वेट हम इसका सेमी बोल्ड कर देंगे, ठीक है। इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं कोर्सेस इस तरीके से, और कोर्सेज के जगह पे मैं यहाँ पे माय कोर्सेज बोल दूँगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा माय कोर्सेज। और अगर आपको कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, जैसे एक फुटर रहता है और कितने लोगों ने आपका प्रोजेक्ट यानी ये कोर्स आपके लिए है, वो सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पर ये वाला जो रो है, ठीक है, इसी रो को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डुप्लीकेट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, इसको हम इसी कॉलम के अंदर एक बार पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये क्यों ले रहे हैं, और इस टेक्स्ट को भी हम डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है, एक बार डुप्लीकेट कर देंगे। और ये टेक्स्ट हमें चाहिए, ये रो हमें ऊपर चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। और ये टेक्स्ट अब यहाँ पे है ना स्क्रॉल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये स्क्रॉल करने के लिए आप कॉलम को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम स्क्रोलेबल नीचे राइट साइड में अलाउ स्क्रोलिंग, तो इससे क्या ये स्क्रॉल हो जाएगा। और इस वाले को हम दे देंगे माय प्रोजेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे जो जो आपके प्रोजेक्ट्स रहेंगे आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपने कोई पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट या फिर किसी स्टार्टअप के लिए आपने काम किया होगा तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कॉलेज में अगर आप हैं तो मिनी प्रोजेक्ट्स कोई भी आपने क्रिएट किए होंगे तो ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे स्पेसिंग दे देता हूँ, और इसको भी हेडिंग हम ऐड कर देंगे यहाँ से टॉप से 70, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देंगे स्पेसिंग।
माय प्रोजेक्ट्स में हम थोड़ा और ऐड कर देंगे 70 इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें अगर आपको अपने कॉलेज इन्फॉर्मेशन या फिर और कुछ स्टोर करना है तो वो भी हम ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये रो बनाया था ना, इसी रो को हम कॉपी करेंगे, ठीक है, इसको हम डुप्लीकेट कर देंगे। ये रो हमारा रेडी हो गया, ठीक है। अब ये वाला जो रो है ये हमें चाहिए एकदम बॉटम में, ठीक है। अब ये हमारा जो है यहाँ पे नीचे आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये इमेज हम रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें इमेज नहीं चाहिए। हम इस टेक्स्ट के बदले कुछ और चीज़ ऐड करेंगे, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्म लिख देंगे, ठीक है। जो भी आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगी आप उसको लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलेज की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट के बदले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इस वाले टेक्स्ट को, और इसके अंदर हमें एक रिच टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। तो आपको रिच टेक्स्ट के बारे में भी पता चल जाएगा। रिच टेक्स्ट में क्या होता है कि आप मल्टीपल टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेम ऐड कर, नेम तो हमारा एडिड है, कॉलेज हम ऐड कर देते हैं कि हमारा कॉलेज कौन सा था। तो मेरा जैसे सिपना कॉलेज था तो मैं वो ऐड कर दूंगा, ठीक है, सिपना कॉलेज। दूसरा जो टेक्स्ट है हमारा उसको हम ऐड कर देंगे, फॉर एग्जांपल हमारा एड्रेस, तो एड्रेस मैं बोल दूंगा महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद में हम और कुछ जैसे मोबाइल नंबर या कांटेक्ट नंबर कुछ आपको डालना है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर हम ऐड कर देंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी है, आप यहाँ पे ईमेल आईडी या फिर एड्रेस, एज वगैरह जो भी आपके पर्सनल हॉबीज़ है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको डिज़ाइन करना पड़ेगा हमें प्रॉपरली। तो रिच टेक्स्ट, ये रिच टेक्स्ट है, इसको आपको डिज़ाइन करना है, तो आप यहाँ से फॉन्ट साइज़ वगैरह उसका मैनेज कर सकते हैं प्रॉपरली। तो इसको मैं 18 दे देता हूँ और फॉन्ट वेट मीडियम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक एक स्पैन को डिज़ाइन कर देंगे, 20 दे देता हूँ मैं, और फॉन्ट वेट मीडियम कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इसको हमको डिज़ाइन करना है तो इसको भी हम 20 दे देंगे, बोल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे एक फुटर हम ऐड कर देंगे, तो फुटर के लिए हम क्या करेंगे, एक कंटेनर ले लेंगे, इसको मैं ले लेता हूँ इस तरीके से कंटेनर, और कंटेनर का जो कलर है उसको हम ब्लैक ले लेंगे, ताकि कंटेनर का कलर हम ब्लैक ले लेंगे, ठीक है। और इसका जो विड्थ है उसको हम थोड़ा फुल साइज़ कर देंगे, तो विड्थ आप यहाँ से इनफाइनाइट चूज़ कर सकते हैं, और हाइट हम हमारे हिसाब से ऐड कर सकते हैं 320, ठीक है। और इसकी पैडिंग आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं टॉप से 20, या फिर थोड़ी ज़्यादा भी दे सकते हैं 120, ओके। अब ये जो हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड किया ना, इसको आप एक लाइन में भी दिखा सकते हैं या फिर मल्टीपल लाइंस में भी आप इसको दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे यूआई थोड़ा सा प्रॉपर नहीं हो पाएगा, नहीं तो काम कर देता हूँ मैं, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, आप उसमें फिर नेम ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। इसमें हम एक और टेक्स्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट है इसका फॉन्ट साइज, जो टेक्स्ट है इसका फॉन्ट साइज मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि डिज़ाइन प्रॉपर हो जाए, ठीक है। इसको आप मीडियम करो, जो भी आपको करना है कर सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट इसका फॉन्ट साइज 20 ले लेते हैं, इसको मैं मीडियम दे देता हूँ, और ये जो टेक्स्ट है इसको भी हम 20 कर देंगे,
इसको मीडियम कर देते हैं, ठीक है। और पैडिंग आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, राइट, 20, इसको भी 20 दे देंगे। थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा, अगर आपको कुछ अचीव करना है लाइफ में तो आपको थोड़े थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी इसमें। जैसे यहाँ पे आप कॉलेज ऐड कर सकते हैं अपना, इतना कॉलेज, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम ऐड करेंगे हमारा एड्रेस, ओके, मैं दे दूँगा महाराष्ट्र। और मोबाइल नंबर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, abc@gmail.com, या फिर मैं लिख ही देता हूँ team.codesify@gmail.com, ठीक है। तो इन इंफॉर्मेशन की मदद से कोई भी आप तक रीच कर सकता है, ठीक है, किसी को अगर आपको देना है तो। ये हो गया। और एट दी बॉटम, ठीक है, एट दी बॉटम हमें जो भी आपको फुटर में आपके क्विक लिंक्स हैं या फिर कुछ भी सोशल मीडिया के आइकन्स हैं, सोशल मीडिया के जो भी लिंक्स हैं, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो एक बेसिक लेआउट आई थिंक हमने क्रिएट कर दिया है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा अपनी पर्सनल वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। और ये रिस्पॉन्सिवनेस भी हमने हैंडल कर दिया है प्रॉपर, ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप कि आपको ये हेल्प हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना ये विजिबल नहीं हो रहा है जो अभी हमने क्रिएट किया, तो वो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे हाइड करके रखा है। तो रो को हम सेलेक्ट करेंगे और ये हमें हर डिवाइस में डिस्प्ले करा दो भाई, इस तरीके से हमको हर डिवाइस में डिस्प्ले करा देंगे वो। अब फॉन्ट साइज़ आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना वो नहीं करेगा वर्क। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन को हम इस तरीके से दे देते हैं, और इसको इसको आप प्रॉपर कर देंगे यहाँ से ऐसे, और इसको ना सेंटर अलाइन कर देना आप, सेंटर अलाइन यहाँ से वो हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, एक बार ये रेडी हो गया तो आप इसको डिप्लॉयमेंट में आप आके डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। वेब डिप्लॉयमेंट में हम आ जाएंगे। और अगर आपको कस्टम डोमेन लेना है तो यहाँ पे आप अपने साइट यूआरएल, जो भी आपको ऐड करना है वो साइट यूआरएल आप दे सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका कस्टम डोमेन आपने ख़रीदा हुआ है, जैसे हमारा codesify.com है, वो रजिस्टर्ड है और ट्रेडमार्क भी है, तो आप अपना भी यहाँ पे लेके कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा होस्टिंगर, होस्टिंगर हम लोग खुद यूज़ करते हैं और बहुत अच्छी सर्विस देता है। और इसमें आपको मेन एडवांटेज है कि आपको SSL सर्टिफिकेट फ्री मिल जाता है। तो यहाँ से आप होस्टिंगर से वो डोमेन को परचेस कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप की हुई है, वहाँ पे आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है 10-20% का। तो आप उस लिंक से करेंगे तो कुछ हमें भी मिल जाएगा और आपको भी कुछ यहाँ पे एडवांटेज मिल जाते हैं डिस्काउंट के, ठीक है। तो इस तरीके से आप होस्टिंगर की मदद से अपना ये पूरा प्रोजेक्ट कस्टम डोमेन वगैरह हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सीखना है कि पूरा इसको वेब डिप्लॉयमेंट कैसे करेंगे, यानी पूरा एक ऐप बनाने के बाद में, जैसे हमने ये बना दिया पूरा, इसको डिप्लॉय कैसे करना है, अगर आपको इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो एक क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। अगर आप न्यू हैं और codesify के बारे में आपको नहीं पता है, तो codesify पे आप पूरे फ्लटर फ्लो कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने एक डेटिंग ऐप क्रिएट किया है यहाँ पे कंप्लीट, तो यहाँ पे बहुत ही कम रेट में आपको ये पूरा चीज़ सीखने मिल रहा है, ठीक है। एंड से लेके स्टार्ट से लेके एंड तक आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा इसमें इंस्टेंट। ये 9+ आवर्स का पूरा कोर्स है, ठीक है। इसमें आप टिंडर या फिर हैपन जैसे ऐप है ना, डेटिंग ऐप, उस तरीके के ऐप को कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें पूरे जो भी लॉजिक लगते हैं, चैट मैसेजेस आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें वेब एडमिन मॉड्यूल भी हमने क्रिएट किए हैं, और ताकि यूज़र्स की पूरी डिटेल हमारे पास रहे। और इसमें आपको पब्लिश कैसे करना है प्ले स्टोर पर, ये सब चीज़ें इस कोर्स में आपको मिल जाती है, ओके। तो आप यहाँ से उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। और आप किस तरीके के प्रोजेक्ट मुझसे सीखना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं अपने टाइमलाइन में उसको ऐड ज़रूर करूँगा, ठीक है। एंड हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मोटिवेशन बना रहे, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।